फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द न्यूज अराउंड। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी सरकार से इस जो भी ये है इसका कोई ताल्लुक है नहीं। मैं आपको याद दिलाता हूं, टीबी की वैक्सीन आई या पोलियो की वैक्सीन आई, उसके बाद में स्वाइन फ्लू की वैक्सीन आई, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू या प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इन तीनों से उसका कोई मतलब नहीं था। तो अब प्रधानमंत्री मोदी से इसका कोई लेना देना है नहीं। उस तरीके से मेरी समझ में ये नहीं आता, इतना इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स, इतना हिंसा की भावना किसी भी दल में कैसे आ सकती है कि अलग अलग वार्तालाप, अलग अलग मतलब। वैक्सीन हमने हिंदुस्तान, क्या हिंदुस्तान से बाहर जितने भी डेवलप कंट्री हैं, चाहे वो जर्मनी है, इटली है, इंग्लैंड है, उन सबसे ऊपर हम चले गए। ये रिकॉर्ड बन गया पूरे वर्ल्ड का कि एक साल के अंदर हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों ने वैक्सीन पैदा करके दिखा दी। तो मैं बधाई देता हूं हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों को और जो डॉक्टर से जुड़ रहे हैं उनको। और इसमें जो दलगत राजनीति हो रही है कि वैज्ञानिकों ने कमाल करके दिखा दिया है, और आगे भी हमको यही आशा है कि हमारे वैज्ञानिक आगे भी इस तरीके से करते रहेंगे, सारी दुनिया हमारा मुंह देख रही है। तो इसमें जो ये ओछी राजनीति कर रहे हैं या उनकी जो सेकंड ग्रेड के नेता है वो इस पर मतलब बातें कर रहे हैं, उसकी मैं आलोचना करता हूँ, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है जी। देखिए, प्रथम जो भी डॉक्टर या नर्स जो भी स्टाफ इससे जुड़ा हुआ है जी, उनको ये प्रोवाइड किया जाए, उसके बाद में जो गरीब तबके का लोग आज बंदा है जी, जो भी व्यक्ति है, हाँ। जो गरीब लोग हैं, जो जिनकी पहुंच नहीं है, जो नहीं ले सकते, इंसान इंसान होता है, जान सबकी बराबर होती है, तो उनको किसी भी तरीके से उन तक ये वैक्सीन पहुंचे, और उसके बाद में सर्किल चलता रहेगा, सारे आम लोगों को जिस तरीके से प्रोसीजर इनका बनता है उस तरीके से मिले, उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपमान ना करें वैज्ञानिकों का, अपमान ना करें हिंदुस्तान के साइंटिस्टों का। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे मैं इसका कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई प्रधानमंत्री मोदी का उसमें कोई मतलब नहीं। मोरारजी देसाई के टाइम में आया ये पोलियो का वैक्सीन है ना, उससे मोरारजी देसाई का नाम नहीं जोड़ा गया। स्वाइन फ्लू 2010 में आया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, उससे उनका कोई मतलब नहीं। तो मैं इससे उस कड़ी को नहीं जोड़ रहा, मैं वैज्ञानिकों को आखिर में एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।